दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर मैं एक नया टॉपिक पर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल डेज। दोस्तों, नेशनल डेज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत अधिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या एमपी पीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरएएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरटीएस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आईबी का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नेशनल डे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों खुद समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो नेशनल डे है इसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने किया है। और ये कलेक्शन मैंने साल के महीनों तथा दिन के क्रम में किया है। अगर आप लोग इस क्रम से इस दिवस को या इस से संबंधित जो नेशनल डे से संबंधित क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लेक्चर में केवल नेशनल डे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही कलेक्शन किया गया है, जबकि जो साल के 12 महीने होते हैं इस लेक्चर के अतिरिक्त भी अन्य दिवस भी पढ़ते हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए सभी दिवसों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि केवल वही नेशनल डेज को इसमें बताया गया है जो आपके कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से उपयोगी है, अर्थात आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और बार बार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक नेशनल डेज और इससे संबंधित क्वेश्चंस। दोस्तों, चलते हैं हम साल के पहले महीने जनवरी में। तो जनवरी में मुख्य रूप से 7 दिवस पढ़ते हैं। कितने दिवस पढ़ते हैं? 7 दिवस पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो राष्ट्रीय दिवस है वो 9 तारीख को पड़ता है, अर्थात 9 जनवरी को पड़ता है। दूसरा राष्ट्रीय दिवस है वो 12 जनवरी को पड़ता है। तीसरा राष्ट्रीय दिवस है वो 15 जनवरी को पड़ता है। चौथा राष्ट्रीय दिवस है वो 23 जनवरी को पड़ता है। और पांचवा राष्ट्रीय दिवस है 24 जनवरी को पड़ता है। छठवां राष्ट्रीय दिवस है 25 जनवरी को पड़ता है। और सातवां राष्ट्रीय दिवस है वो 30 जनवरी को पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं 9 जनवरी, ठीक है? हमारा पहला नेशनल डे है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को, अर्थात 9 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा 12 जनवरी को, 12 जो जनवरी होता है उस दिन, अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इस दिन, अर्थात 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? अब 12 जनवरी के बाद हमारा अगला दिन है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? 15 जनवरी के बाद हमारा आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, ठीक है? अब 23 के बाद हमारा आता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं, जब लोगों को पता चल जाता था कि लड़की पैदा होने वाली है तो वो लोग उनकी गर्भ में ही हत्या करवा देते थे। तो यही कांड जो है रोकने के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया, ठीक है? जो इस कांड को रोकने के लिए मनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा अगला डेट है 25
जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला डेट है 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जनवरी के बाद आपका अगला महीना पड़ता है फरवरी। तो फरवरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज तीन है। ठीक है, जिसमें एक आपका 13 फरवरी को पड़ता है, एक आपका 24 फरवरी को पड़ता है और एक आपका 28 फरवरी को पड़ता है। तो दोस्तों, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये सरोजनी नायडू के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला डेट है फरवरी में 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 फरवरी किस रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 24 फरवरी के बाद हमारा अगला दिन आता है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन क्या हुआ था कि जो डॉक्टर सी वी रमन थे, उन्होंने एक रमन प्रभाव की खोज किया था और तभी से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, फरवरी के बाद हमारा अगला महीना आता है मार्च। मार्च में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट नेशनल डे हैं, जिसमें एक पड़ता है आपको 20 तारीख को और दूसरा आपका पड़ता है 23 तारीख को। तो 20 तारीख को हमारा सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 यानी कि 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 20 के बाद हमारा अगला पड़ता है डेट 23 मार्च को। ठीक है, तो 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था और तभी से उस दिन को यानी कि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों, मार्च के बाद हमारा अगला महीना पड़ता है अप्रैल, और अप्रैल में हमारा एक ही इम्पॉर्टेंट नेशनल डे है और वो क्या है? 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल को हम लोग लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं, अप्रैल के बाद हमारा अगला महीना आता है मई। तो मई में हमारे तीन नेशनल डे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला आपका आता है 16 मई को, दूसरा आपका आता है 21 मई को और तीसरा आपका आता है 31 मई को। ठीक है, तो जो हमारा 16 मई है, 16 मई को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अब अगला है 21 मई, 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई किस रूप में मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस। अब 21 के बाद हमारा अगला तारीख है 31 मई। तो 31 मई जो होता है, इस दिन तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होता है वो दो तरीके से पूछता है, जिसमें पहला तरीका है, पूछता है तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, या तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू विरोध दिवस दोनों एक ही है और ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। लेकिन इसका दूसरा टाइप है एंटी टोबैको, जो इसका इंग्लिश नाम है। तो एंटी टोबैको नाम से पूछ देता है कि एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है। तो एंटी टोबैको डे जो होता है वो 31 मई को मनाया जाता है। एंटी टोबैको का मतलब होता है तंबाकू विरोध, ठीक है, और डे का मतलब दिवस। अब आगे चलते हैं, मई के बाद हमारा अगला महीना पड़ता है जून। तो दोस्तों, जून में हमारे पास कोई मतलब इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल डेज है, जो हमने आपको इंटरनेशनल डेज के लेक्चर में बताया है, किंतु
जो नेशनल डेज के लेक्चर में कोई भी नेशनल डेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जून में कि वो एग्ज़ाम में पूछे, ठीक है। वैसे तो जून में भी आपके नेशनल डे कई सारे हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। तो जून के बाद हमारा अगला जो महीना पड़ता है वो आपका आता है जुलाई, ठीक है। और जुलाई में मुख्यतः दो दो दिन पड़ते हैं, मतलब दो डे ऐसे हैं जिनको मतलब इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज पढ़ते हैं, ठीक है। जिनमें एक है पहली तारीख को, तो पहली तारीख को दो नेशनल डेज पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका होता है वन महोत्सव दिवस, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, और 1 जुलाई को दूसरा नेशनल डेज भी है, वो है चिकित्सक दिवस। तो चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, अर्थात 1 जुलाई को आपके दो नेशनल डेज हैं, पहला आपका वन महोत्सव दिवस जो 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, और दूसरा आपका है चिकित्सक दिवस, ये भी आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब जुलाई में दूसरा है 26 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई के बाद आपका अगला आता है 26 जुलाई, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में, ठीक है। यानी कि कारगिल विजय दिवस कब पड़ता है आपको, 26 जुलाई को पड़ता है। अब दोस्तों जुलाई के बाद चलते हैं अगले महीने अगस्त में, ठीक है। तो जुलाई के बाद आपका अगला महीना अगस्त पड़ता है, और अगस्त में भी दो इम्पॉर्टेंट नेशनल डे हैं, जिसमें पहला आपका है 20 अगस्त को और दूसरा आपका है 29 अगस्त को। तो 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 अगस्त के बाद आपका अगला दिन आता है 29 अगस्त, ठीक है। तो 29 दिवस को क्या होता है, यानी 29 जो आपका अगस्त है उस दिन मेजर ध्यानचंद, ये जो हॉकी के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है, और इन्हीं की याद में ये जो इनका जन्म हुआ था सन 1905 ईस्वी में, कब हुआ था 1905 ईस्वी में, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। किसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, जो कि यहाँ किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, और इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में, और इन्हीं के जन्मदिवस के रूप में 29 अगस्त को आपको राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगस्त के बाद हमारा अगला महीना आता है सितंबर। सितंबर में दोस्तों हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज हैं, जिसमें से हमारा पहला है 5 सितंबर, और 5 सितंबर के बाद हमारा अगला आता है 14 सितंबर, और 14 सितंबर के बाद हमारा अगला डे जाता है 15 सितंबर। तो 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब आगे है 5 सितंबर के बाद 14 सितंबर, 14 सितंबर को हम हिंद दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, हिंद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, 14 के बाद हमारा अगला तारीख है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय संचयिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय संचयिका दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। अब दोस्तों 15 सितंबर के बाद हमारा अगला महीना आता है अक्टूबर। तो दोस्तों अक्टूबर में भी कोई हमारा इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज नहीं है, इसलिए इस महीने को भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अक्टूबर में भी नेशनल डेज हैं, परंतु वो इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने केवल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले नेशनल जो डेज हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन का जो कम्बिनेशन किया है, इसीलिए जो नेशनल डे से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं उनका कम्बिनेशन मैंने नहीं किया है। तो दोस्तों अक्टूबर के बाद हम चलते हैं अगले महीने में नवंबर में। तो दोस्तों जो नवंबर का महीना है इसमें भी हमारे पास लगभग 4 डेट हैं जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं, जिसमें एक आपका है 12 नवंबर को, दूसरा आपका है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को दोस्तों इसमें दो नेशनल दिवस पड़ते हैं, और 14 के बाद आपका है 19 नवंबर, और 19 नवंबर के बाद है आपका 26 नवंबर। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले 12 नवंबर को।
तो 12 नवंबर जो होता है वो राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 नवंबर को। अब दोस्तों 12 नवंबर के बाद हम चलते हैं 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को हमने बताया था कि दो नेशनल डेज है, ठीक है, जिसमें 14 नवंबर को पहला नेशनल डेज है बाल दिवस, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में हमारा बाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 14 नवंबर को ही हमारा एक अदर नेशनल डेज है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस भी जो है आपका 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब 14 नवंबर के बाद हमारा अगला डेट आता है 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, ठीक है। अब 19 नवंबर के बाद हमारा अगला जो डेट है वो है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों नवंबर के बाद हमारा अगला महीना आता है दिसंबर। दोस्तों दिसंबर है, इसमें लगभग आपके 7 नेशनल डेज पड़ते हैं, जिसमें पहला जो नेशनल डेज है वो 2 तारीख को पड़ता है यानी 2 दिसंबर को, उसके बाद 4 दिसंबर को, 4 के बाद 7 दिसंबर को, और 7 दिसंबर के बाद आपका पड़ता है 14 दिसंबर को, और 14 दिसंबर के बाद आपका अगला डेट आता है 18 दिसंबर को, और 18 दिसंबर के बाद आपका अगला डेट आता है 23 दिसंबर को, और 23 दिसंबर के बाद आपका अगला डेट आता है 24 दिसंबर को। तो चलते हैं सबसे पहले डेट 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अर्थात 2 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर मनाया जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर के बाद हमारा अगला मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस आता है 4 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 4 दिसंबर के बाद हमारा अगला डेट आता है 7 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 7 दिसंबर को कौन सा दिवस है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब जो हमारा 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर के बाद सीधे हमारा आता है 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि 14 दिसंबर को इस दिन लोगों को ऊर्जा को बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में ये 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब 14 दिसंबर के बाद हमारा अगला दिन है 18 दिसंबर, ठीक है, तो 18 दिसंबर को ये बनाया जाता है आपका राष्ट्रीय दिवस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 18 दिसंबर के बाद हमारा अगला पड़ता है 23 दिसंबर को, ठीक है, 18 दिसंबर के बाद अगला डेट कौन सा है? 23 दिसंबर को, तो 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 23 दिसंबर के बाद हमारा अगला दिन पड़ता है 24 दिसंबर। अब 24 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो था नेशनल डे से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका BPSC का एग्जाम हो, या RRB का एग्जाम हो, या UPPCS का एग्जाम हो, या फिर MPPSC का एग्जाम हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों के अलावा हमारे पास दो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है, तो दोस्तों
ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो या BPSC का एग्ज़ाम हो या फिर RRB का एग्ज़ाम हो या UPPCS का एग्ज़ाम हो या फिर MPPCS का एग्ज़ाम हो या IB का एग्ज़ाम हो या फिर BPSC का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों ये इन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के अदर भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। इन क्वेश्चंस के अलावा दो पॉइंट और भी हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जो जन्मदिन है वो डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर जो आपके विधान चंद हैं उनका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ देता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस व्यक्ति का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। और इसके बाद आपका तीसरा जो नोटेड पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो 2 अक्टूबर हुआ, ठीक है, और 15 जो आपका अगस्त होता है और 26 जनवरी, तो इस दिन तो आपका राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन जो आपका 25 दिसंबर है 25 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है, तो इन सभी दिनों पे हमारा राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन 25 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा नेशनल डे से संबंधित जो लेक्चर हुआ वो पूरा हुआ। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, ये किस हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाता है, ये इस वीडियो के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने वीडियो अपलोड किया और एक ही हफ्ते में हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा व्यूअर्स आ गए, जिससे पता चलता है कि हाँ ये जो वीडियो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे संबंधित और भी वीडियो डालूंगा और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो वर्जन भी बनाऊं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं अब अगले दिन आपसे मिलता हूँ एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।